10 लेडीज थी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी थी, और उसके साथ हमारा एक बीओ बना इधर, उधर कम से कम 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, 100-150 लेडी जुड़ी हुई थी। तो इधर सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों ने हमें ट्रेनिंग कराई मिल्क प्रोडक्ट की, ICIC फाउंडेशन की मदद से। तो फिर उन्होंने हमें मार्केट में जोड़ा, फिर उसके हमने सभी ग्रुप को जो सेल्फ हेल्प छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उनकी एक FPO तैयार कर दी, और उस FPO में हमारे पास अब 200-250 मेंबर है। फिर हमने इधर एक कलेक्शन सेंटर बनाया, और यहाँ पे अब हम सभी लेडीज़ हैं जो इधर दूध देने आती हैं हमें, तो उनका एक तो किराया बच गया जो शहर जाते थे, दूसरा कई बार दूध ख़राब भी हो जाता था गर्मियों में, लेकिन अब वो जल्दी इधर सब दूध दे जाती हैं तो उनको पैसा भी मिलता है। दूसरा हम इधर क्वालिटी का दूध लेते हैं, शहर से पैसा भी ज़्यादा देते हैं, किराया भी बचता है, उन लोगों का टाइम भी बचता है। ये FPO में काफ़ी जो है खासकर बॉर्डर बेल्ट के लोग जो हैं, जिसमें खासकर हमारी महिलाएं माएँ बहनें जो हैं वो ज़्यादा जुड़ रही हैं। जैसे हमने मड़ साइड में इसी तरह से एक आधा यूनिट जो है वो इस वक्त ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, काम कर रहा है वो वहाँ पे। ऐसे ही हमें अरनिया सेक्टर्स में, ऐसे ही हमारा यहाँ पे RSPRA के बॉर्डर लाइन सेक्टर्स में भी कुछ FPO जो हैं काम करने जा रहे हैं। एक त्रेवा में है, अरनिया बॉर्डर लाइन पर हैं, तो इसी तरह से बहुत सारी एरियाज में ये लेडीज जो हैं अब आगे आ रही हैं। तो उसमें क्या काम किया जाता है कि दूध जो है मिल्क कलेक्शन सेंटर्स कहीं पे भी वो एक पॉइंट्स पे भी बना सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी कई कलेक्शन सेंटर्स पे रखे जा सकते हैं, और फिर उन कलेक्शन सेंटर्स पे एक ही पॉइंट पे उनको डिफरेंट सारे सब्सिडी बेस्ड हमारी सारी चीज़ें उनको मिल सकती हैं। जैसे खोया मेकिंग मशीन्स वो रख सकते हैं, मिल्क के लिए आपको उसको कलाड़ी बनाने के लिए उसको मशीन्स चाहिए तो वो हम उनको मैसर करते हैं सारों में 50% सब्सिडीज़ पे। Mary, my.